जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ जिला मंडी ने संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की है कि जिला परिषद काडर के अधीन कर्मचारियों व अधिकारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। इस मौके पर जगदीश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जिला परिषद काडर के अधीन कार्यरत करीब 4,700 अधिकारी व कर्मचारी पिछले 24 सालों से विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद नियमितीकरण होने पर भी जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह स्थायी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि जिला परिषद काडर में सभी कर्मचारी व अधिकारी पंचायती राज व ग्रामीण विकास का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश ठाकुर जिला परिषद एसोसिएशन की तरफ से, और आज हमारा जो डेपुटेशन है जिला मंडी का, जिसमें जिला परिषद के कर्मचारी, जिसमें हमारे पंचायत चीफ, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, जो भी जिला परिषद के कर्मचारी है, लगभग हिमाचल प्रदेश में 4700 के करीब है। हम यहाँ पर जो अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से मिले, हमारे आजकल जो जिला परिषद के कर्मचारी है इसको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा है, और जो जितने भी जो है बेनिफिट, अधिकतर बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। यदि दिए जा रहे हैं तो उस मतलब और कर्मचारियों के बाद दिए जा रहे हैं, उसमें जो फाइल है दोबारा और मूव करनी पड़ती है, तब जाके मिल रहे हैं। आज हमारा जो सरकार से एक ही जो है डिमांड रही है कि हमारे जितने भी कर्मचारी है, जो जिला परिषद के कर्मचारी है, हमारे मतलब किसी भी सरकारी विभाग में, चाहे पंचायती राज है चाहे ग्रामीण विकास है, इसमें मर्ज किया जाए, हमारी एकमात्र मांग है। अन्यथा जो हमने हमारे जो स्टेट के जो कार्यकारिणी है, इसमें मुख्यमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं, उसमें 15 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे को एक्चुअली विभाग में मर्ज किया जाए, इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे को जो है किसी भी विभाग में, मतलब पंचायती राज में चाहे ग्रामीण विकास विभाग में, हमारे को मर्ज किया जाए, अन्यथा जो है कल छोड़ो हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। कैप्टन संजय पराशर द्वारा जसवां परागपुर क्षेत्र को मोतियाबिंद मुक्त करने का महाअभियान जारी। पहले चरण में कुल 67 स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन, 44,210 लाभार्थी पहुंचे शिविरों में, वितरित किए लाखों के स्वास्थ्य उपकरण। अब दूसरे चरण में मई महीने से निःशुल्क आँखों की जांच शिविर होगी आयोजित, जिसमें हर मंगलवार को अस्पताल रोड दादासीबा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इंग्लिश लर्निंग सेंटर नारी घाटी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, हर शनिवार को नजदीक गैस एजेंसी परागपुर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और बीआर मैरीटाइम कार्यालय रखकर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9817602482, 9459050759।